कैसे हैं आप? मैं नेहा दमायास चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में गाइस मैं आपको हमदर्द ब्रांड के च्यवनप्राश अवलेह के बारे में रिव्यू दूंगी। इसके बारे में बताऊंगी कि ये च्यवनप्राश आपके बॉडी को, आपके शरीर को किस तरीके से फ़ायदा देता है। डिटेल में गाइस आज अपन इसका रिव्यू करेंगे, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, यूजेस, प्राइस, डोज इन सब के बारे में। तो गाइस अगर आप शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, बार बार होने वाले सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी समस्या से परेशान हैं, बीमारियों से लड़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो पूरी वीडियो को देखना ना भूलें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट किए अपन बात कर लेते हैं इस च्यवनप्राश के बारे में, जो कि हमदर्द ब्रांड द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। मार्केट में गाइस आपको काफ़ी सारे च्यवनप्राश मिलेंगे अलग अलग ब्रांड के, जिसके बारे में अपन ने काफ़ी सारे रिव्यू भी किए हैं। च्यवनप्राश गाइस अधिकतर सर्दियों में खाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके सर्दियों के टाइम में, क्योंकि इसके अंदर जो इन्ग्रीडियंट होते हैं वो थोड़े गर्म होते हैं, जो कि सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा फायदा करते हैं, क्योंकि सर्दियों में लगती है ठंड, तो ये ठंड से आपको प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि आपके शरीर में गर्मी रखने का काम करता है, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है। सर्दियों के मौसम में गाइस जुकाम, खांसी, बुखार जैसी समस्या काफ़ी देखने को मिलती है, तो ये वायरस या किसी भी प्रकार के फ्लू जैसी समस्या से राहत देता है, बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। ये गाइस एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है जो आपके बॉडी को कोई नुकसान पहुँचाए। जो सारे इन्ग्रीडियंट हैं वो सारे हर्बल हैं, कोई भी हार्मफुल इसके अंदर केमिकल प्रेजेंट नहीं है। इसकी पैकेजिंग में गाइस आप देख सकते हैं, इस पर प्रिंट किया हुआ है, इसमें आंवला प्रेजेंट है। आंवला गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है अपने बॉडी के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने शरीर को हेल्थी बनाए रखता है और आपके जुकाम, खांसी, बुखार जैसी समस्या से राहत देता है। ये गाइस एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। ये च्यवनप्राश एक स्वादिष्ट के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक है, जिसका उपयोग हजारों वर्षों से भी किया जा रहा है आयुर्वेदिक के क्षेत्र में। ये स्वास्थ्य लाभ में बहुत ही अच्छा माना जाता है। हमदर्द च्यवनप्राश के अंदर जो आंवला प्रेजेंट है वो फेफड़ों को ताकत देता है, सामान्य दुर्बलता को दूर करता है और आपके दिमाग और तंत्रिकाओं को भी मजबूत करता है, आपकी याददाश्त में सुधार करता है, पेट और यकृत को बढ़ावा देता है। यानी कि अगर आपकी एकाग्रता, याददाश्त बहुत ही ज़्यादा कमजोर है, मानसिक रूप से आपको कोई भी कमजोरी हो, तो आप इस च्यवनप्राश का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपकी याददाश्त में सुधार लाने का काम करता है और आपके शरीर को हेल्थी बनाए रखने में मदद करता है। अब देख लेते हैं प्राइस, किसका प्राइस क्या है। 1 किलो की पैकेजिंग गाइस आपको 320 रुपए में मिलेगी। अगर आप इसका आधा किलो का पैकेजिंग परचेज करना चाहे तो वो भी खरीद सकते हैं, 190 रुपए में आएगा आपको। काफी अफोर्डेबल है गाइस, इजीली तरीके से अफोर्ड भी कर सकते हैं। च्यवनप्राश तो वैसे भी थोड़े महंगे ही आते हैं, अगर आप मार्केट से परचेज करना चाहें तो खरीद सकते हैं, लेकिन गाइस हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्रोडक्ट का लिंक मेंशन किया हुआ है, अगर आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके भी इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अब इसका देख लेते हैं यूज़ की किस तरीके से इसका सेवन अपन को करना है। यूज करने का तरीका बस यही है, आपको 1 चम्मच ये च्यवनप्राश लेना है। अगर आप गुनगुने दूध के साथ इसका सेवन करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि गुनगुने दूध के साथ ये आपके सर्दी, खांसी, जुकाम को दूर करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने में मदद करता है। लेकिन गाइस इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको ओवरडोजेस नहीं लेना। ओवरडोजेस गाइस कोई भी चीज़ हो वो नुकसान तो करती करती है, इसीलिए प्लीज़ ओवरडोजेस तो बिल्कुल भी ना लें। कोई भी प्रोडक्ट होगा, इस खाने का हो चाहे लगाने का हो, उसे इस्तेमाल में लेने से पहले, उसे खरीदने से पहले, परचेज करने से पहले एक बार उसकी एक्सपायरी और उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग होते हैं गाइस जो कि एक्सपायरी डेट वाला प्रोडक्ट ले आते हैं, वो नहीं देखते हैं कि एक्सपायरी इसकी निकल गई है और उसका इस्तेमाल करने लग जाते हैं और उनको साइड इफेक्ट हो जाता है। तो गाइस ऐसी नौबत ना आए और आप उसकी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट देख कर ही प्रोडक्ट को परचेज करना चाहिए। सो गाइस आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताना चाहूँगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे, नई नई जानकारियाँ मिलती रहे। और गाइस बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए, जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं टाइम टू टाइम आपके पास पहुँचती रहे और उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपका कन्फ्यूजन दूर होता रहे। फिर भी गाइस अगर आपको इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग या किसी अदर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी जाननी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भी जाके कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, आपकी सहायता जरूर करेंगे। सो गाइस हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।